हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग अभी परेशान हो जा रहे और सारे लोग अभी काम में लग पड़े हैं कि शॉर्ट वीडियो कैसे बनाएंगे और कैसे 10 मिलियन व्यूज लाएंगे अपना शॉर्ट वीडियो पर। 10 मिलियन बोलने से ये भी कोई कम नहीं है। यूट्यूब जो रूल रेगुलेशन अभी चेंज कर दिया है कि अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो दोनों डालते हो, अगर दोनों डालने से आपको अगर 4000 घंटा वन ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको और एक सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि आप शॉर्ट वीडियो पर भी अगर 10 मिलियन व्यूज ला सकते हो तो भी आपका चैनल मोनिटाइज हो सकता है। तो आज इन्हीं के बारे में आज हम थोड़ा क्लियर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने शॉर्ट वीडियो को 10 मिलियन तक कंप्लीट कर पाओगे व्यूज के हिसाब से। 1 मिलियन को सोचो, हम पकड़ेंगे 1 मिलियन को 10 लाख जब आपका व्यूज होगा तब 1 मिलियन होगा। तो सोचिए 10 मिलियन के काउंट करेंगे तो कितना लाख होता है। क्या ये संभव है? क्या ये आप कर सकते हो? अरे जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनका 5 से 10 लाख 10 से 20 लाख सब्सक्राइबर है, उनको तो ये बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अगर न्यू यूट्यूबर के लिए हाथ ही ने अपना सर लगा देने से भी ये मुश्किल हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ये हमारे लिए आसान है, तो आपके लिए वही होना ठीक है। लेकिन 10 मिलियन बोले तो ये भी बड़े कीमत हो जाते हैं। 90 डेज के अंदर, 90 दिनों के अंदर आपको अपना शॉर्ट वीडियोस में 10 मिलियन व्यूज लाना पड़ेगा। अगर नहीं ला पाओगे तो फिर क्या होगा? अगर 90 डेज कंप्लीट होगी आपका 10 मिलियन नहीं हुआ पूरा तो फिर क्या होने वाला है? क्या आपका व्यूज फिर डाउन हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप जब भी 3 महीने के अंदर आप अपना व्यूज को कंप्लीट कर सकते हो। अगर ये 90 डेज 3 महीने खत्म हो गया तो फिर आपका और 1 महीने से चालू हो जाएगा। सोचो आप 2023 जनवरी 1 को अपना शॉर्ट वीडियो डालना चालू कर दिया, अगर एक एक दिन में अगर आप 5-5, 10-10 वीडियो को डालते हो ना, शायद हो सकता है पूरा, लेकिन कितना परसेंट गारंटी है कि 10 मिलियन भर पाना बहुत मुश्किल ही बात है एक नए यूट्यूबर के लिए। पुराने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ नए यूट्यूबर के लिए मैं बता रहा हूं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी वैल्यूफुल काउंट का जो नेम है, जो 10 मिलियन व्यूज, ये नया यूट्यूबर के लिए बड़ा ही होता है यार। तो आप अगर चालू कर दो जनवरी फरवरी मार्च के अंदर, अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ 10 मिलियन, तो फिर आप अप्रैल से फिर आपका चालू होगा काउंट। वैसे कर करके अगर आप कर दिए, अगर कोई आपका किस्मत अच्छा रहे, कोई वीडियो पर आपका हो गया रैंक और वायरल हो गया, जिनका लाइक ही 1 लाख 2 लाख लाइक मिल गया, तो सोचो आपका व्यूज भी 10 मिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो क्या करेंगे? मुझे लगता है ऐसा कि ये 10 मिलियन का व्यूज के चक्कर से पढ़ने से अच्छा है कि अपना लॉन्ग वीडियो डालकर 4000 घंटा कंप्लीट करना थोड़ा आसान लगता है। अगर आपको लगता है यही रूल ठीक है तो इसी को ही आप फॉलो कीजिए। अगर आप नए यूट्यूबर हो तो आप अपने चैनल पर 2 टाइप के वीडियो डाल सकते हो। देखो मैं भी 2-2 वीडियो डाल रहा हूं, एक लॉन्ग के लिए और एक शॉर्ट के लिए, जो थोड़ा थोड़ा कॉमेडी रहता है। आप कॉमेडी नहीं, आप कुछ इमोशनल पर डाल सकते हो और कुछ इंटरटेनमेंट के लिए डाल सकते हो, कुछ एजुकेशन के लिए डाल सकते हो, कुछ मोटिवेशन के लिए भी डाल सकते हो, जो कि वीडियो आपका वायरल हो सके, जैसे लोगों को पसंद है उस वीडियो पर कुछ सीखने के लिए मिले, उसी टाइप के वीडियो आप डाल सकते हो। तो शॉर्ट बनाओ या लॉन्ग बनाओ, लेकिन बनाओ सही ढंग से बनाओ। और सबसे बेहतरीन जो ट्रिक है कि आपको एडिट के ऊपर फोकस देना चाहिए। कंटेंट तो हमेशा, कंटेंट ही किंग है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एडिट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एडिट आपका सही रहेगा तो लोगों देखने के लिए आपके वीडियो के अंदर बांधे हुए रहेंगे। ऐसे नहीं है कि आपको एडिट ठीक ठाक नहीं होगा तो लोगों क्लिक तो कर देंगे जरूर और 5-10 सेकंड के बाद फिर बैक हो जाएंगे। तो आप अपने व्यूअर्स को जोड़ कर रखना चाहिए, अपने वीडियो के साथ उनको बांध कर रखना चाहिए, ताकि आपका व्यूअर्स आपका वीडियो छोड़कर ना भागे। तो यही आज का छोटा सा टॉपिक, सुबह सुबह का टॉपिक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानकारी मिला है
तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। चैनल पर नए नए आए हो, मेरा वीडियो देख ले तो मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते